इस खबर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि जून में कनाडा के वैंकूवर सिटी में सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद सितंबर में कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के क्रेडिबल एलिगेशन हैं और पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने रिस्पॉन्ड करते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद, बेतुका और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया था। अब ऐसे ही दूसरे सेपरेटिस्ट खालिस्तानी से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, और ये खबर आ रही है यूएस से, यानी कि अमेरिका से। अमेरिका ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के आरोप लगाए हैं। दरअसल बुधवार को फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। अमेरिकी सरकार ने भारत के इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है और साथ ही भारत को चेतावनी जारी की है। हालांकि यह मामला कब का है रिपोर्ट में यह क्लियर नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से जुड़े सवाल पर व्हाइट हाउस के एक स्पोक पर्सन एड्रिन वॉटसन ने कहा इंडियन ऑफिसियल ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि भारत ऐसी पॉलिसीज को बढ़ावा नहीं देता है। भारत सरकार फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इसका जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और दूसरे लोगों के बीच की कड़ी जाँच कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा भारत ऐसे इनपुट्स को बहुत सीरियसली लेता है क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी खतरे में डाल सकते हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिकी आरोपों के मामले में डिपार्टमेंट जांच कर रहे हैं। ये मामला दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा अमेरिका अपनी धरती पर एक सिख सेपरेटिस्ट को मारने की साजिश को बहुत गंभीरता से ले रहा है। हमने भारत सरकार में सबसे सीनियर लेवल पर मामले को उठाया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियों को चलाने के आरोप में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया था। होम मिनिस्ट्री ने अपनी एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म विचारधारा का समर्थन कर रहा है। तो दोस्तों आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।